हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों नो योर स्टॉक्स केवाईएस के एपिसोड नंबर 13 में। दोस्तों ये प्रोग्राम काफी पॉपुलर होता जा रहा है और दर्शकों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है, और रादर मैं बोलूंगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज हम 7 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफी पेंडिंग हो गए थे स्टॉक्स और जो दर्शकों की तरफ से चॉइस आए थे उन्हें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसमें आज 7 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल्स के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें किस तरह के फॉर्मेशन बन रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस किस दिशा में हमें इंडिकेशन दे रहा है और क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर एनेबल करें ताकि आपको हमेशा अपडेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों इस एपिसोड की नो योर स्टॉक्स केवाईएस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला स्टॉक्स केवाईएस के एपिसोड नंबर 13 में हम लेते हैं दोस्तों, वो है यूपीएल का। दोस्तों एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट को एनालिसिस करेंगे और इसका सजेशन दोस्तों आया है आदर्श जी से जो बेंगलुरु के हैं। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और यूपीएल के प्राइस चार्ट पे एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये UPL का मंथली टाइम फ्रेम में NSE इंडिया पे प्राइस चार्ट है। विजुअली हम देख सकते हैं कि ये एक अपट्रेंडिंग स्टॉक है एंड हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। रीसेंट टाइम में इसने एक डीपर करेक्शन लिया और ये EMA 21 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस रिट्रेसमेंट लेवल को देखें तो पिछली इंपल्सिव वेव का ये 61.8% रिट्रेसमेंट को टेस्ट करके रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 और ये क्लियरली EMA 21 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। फर्दर फिलहाल प्राइस एक माइनर रेजिस्टेंस के पास में है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पास मेनी मंथ से, और जब तक प्राइस 515 लेवल के ऊपर में ट्रेड नहीं होती है तो प्राइस में अपसाइड रिस्ट्रिक्शन रहेगा और प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड करने की संभावना है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें दोस्तों तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर सपोर्ट होके रिवर्सल। तो ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो सकती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, कि इस ट्रेंड लाइन की मदद ली जा सकती है ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। चलिए एक नज़र वीकली चार्ट पे डालते हैं। दोस्तों ये वीकली चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो प्राइस ने एक करेक्शन लिया और यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया। अब डबल बॉटम के फॉर्मेशन को देखें, यहाँ पे प्राइस को पहले रेजिस्टेंस था और अगेन प्राइस उसी जगह पे रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये डबल बॉटम का जो अपेक्स है वो अपेक्स है 617.75। तो दोस्तों ये अपेक्स को एक बार डिसाइसिवली डबल बॉटम का अगर ब्रेकआउट अपसाइड में होता है, क्योंकि रीसेंट टाइम में एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे प्राइस को देखें, प्राइस ने SMA 89 और SMA 144 का जो कन्फ्लुएंस है वहाँ पे सपोर्ट लिया, एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ जो रिवर्सल सिग्नल है, और नेक्स्ट कैंडल हम देख सकते हैं कि एक डिसाइसिवली बुलिश बार थी
और प्राइस दोस्तों फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास है। मैं बोलूँगा बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है, बट यस अगर हम इस थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आप देखिए प्राइस का रिजेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, एंड वंस प्राइस इसके ऊपर में डिसाइसिवली ब्रेक कर जाएगी दोस्तों, तो ये एक हम इसमें अच्छा खासा अपमूव देखने की क्षमता रखते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और एक नज़र डालते हैं। ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में UPL का प्राइस चार्ट है और हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लैरिटी आ सके। तो दोस्तों ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन किया, यहाँ पर रिजेक्शन किया और इस जगह पर रिजेक्शन किया। तो ये जहाँ तक सवाल है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, तो इसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और प्राइस रिट्रेसमेंट होने के बाद इसी लाइन पे सपोर्ट ले रही है जो एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग जोन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं EMA 21, EMA 55, SMA 89, इन सब का कन्फ्लुएंसिंग जोन है। तो दोस्तों एक और लाइन खींचते हैं जिससे एक चार्ट पैटर्न बनने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक लाइन खींची और ये एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट। तो दोस्तों ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ हुआ और यहाँ हम सर्ज इन वॉल्यूम देख सकते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि प्राइस एक वैल्यू एरिया में फिलहाल है जहाँ पर इसमें बाइंग होती हुई नज़र आएगी आने वाले दिनों में। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर हम ये वर्टिकल बार देखें तो ये ब्यूटीफुल एक बेस का फॉर्मेशन किया है इसने, और इस बेस के फॉर्मेशन को अगर हम मेजर करें दोस्तों, ये ट्रायंगल का बेस को अगर हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद इसे अपसाइड में पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड नज़र आता है जो प्राइस वो क्षमता रखता है 700 से 720 जोन में ले जाने के लिए। बट इस जगह पे इसे एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस दोस्तों आ रहा है 690 के आसपास में। तो ये एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से और इवन ट्रेडिंग पर्पस से नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेकंड स्टॉक है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक, और दोस्तों इसका सजेशन जो आया है दोस्तों वो आया है देवी मानी जी से, चेन्नई से। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और सिटी यूनियन बैंक के प्राइस चार्ट पर एनालिसिस की शुरुआत करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सिटी यूनियन बैंक का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में। इसके पहले मैं आपको एम्फेसिस करना चाहूँगा दोस्तों कि इसका एनालिसिस इस चैनल पे किया गया था और ये उस समय पे किया गया था जब इसकी वैल्यू कमने 200 समथिंग के आसपास में थी और टारगेट इसका 255 दिखाया गया था दोस्तों, और तब से प्राइस में इसमें अपसाइड मूवमेंट दिखाई दिया है। अगर हम मंथली टाइम में गौर से देखें दोस्तों तो प्राइस एक बहुत सिग्निफिकेंट तरह का फॉर्मेशन दिखा रही है। ये राइजिंग चैनल को ध्यान से देखें दोस्तों, प्राइस जब भी लोअर फाइबर को टेस्ट करती है तो एक नया हाई बनाती है और अपर फाइबर जो चैनल का है वो दोस्तों एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं अपर फाइबर से प्राइस का रिजेक्शन देख सकते हैं, जो प्राइस ने एक हाई बनाया 249.35 का और यहाँ से। तो दोस्तों ये एक बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से एक अपट्रेंडिंग स्टॉक है, और इसके अलावा दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड इतना स्ट्रांग है इसका कि प्राइस जब भी करेक्ट होती है EMA 21 पर ये टेस्ट करती है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि जब भी EMA 21 से प्राइस रिवर्सल दिखाए टेस्ट करने के बाद तो वो एक वैल्यू बाइंग एरिया इसमें बनता हुआ नज़र आता है।
अब दोस्तों अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो हम देख सकते हैं कि प्राइस 219-220 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये 220 से लेकर अगर हम यहाँ सिग्निफिकेंट बात करें, पिछला प्राइस का रिजेक्शन यहाँ था तो 205 से लेकर 219 का जो जोन है, 220 का जो जोन है वो एक डिमांड जोन है जहाँ पर हमेशा बाइंग आती हुई नज़र आएगी। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस में एक माइनर करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। EMA 21 पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अपसाइड मूवमेंट की और यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नज़र आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग एवरेजेस। तो दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें दोस्तों तो फिलहाल मोमेंटम इंडिकेटर में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं नज़र आ रहा है, मोर और लेस इट्स ओके। एंड देन चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम जब इस चैनल पे एनालिसिस की गई थी तो समवेयर इस जगह पे जो कंसोलिडेशन हुआ था उस समय पे प्राइस की एनालिसिस की गई थी और स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 204 या 205, उसको वीडियो को आप चैनल में देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी फिलहाल प्राइस जो है ये एक माइनर करेक्शन ले रही है और मैं इसमें प्राइस एक्शन के अनुसार एक और लाइन खींचता हूँ। ये आप देखिए दोस्तों मल्टीपल रेजिस्टेंस था जिसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और ये डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ 15 जनवरी 2020 पे। एक मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया। तो दोस्तों एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि प्राइस रिट्रेस होके फिर से इस वैल्यू एरिया में आ सकती है जो 234-235 के आसपास में है और EMA 21 का भी ये कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। तो दोस्तों ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा नज़र आ रहा है। जहाँ पर हम दोस्तों ये देखिए ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन हमने खींची और इसको हम एक बेस मान सकते हैं जहाँ पर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 180 बिलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन अनट्रेंड को राइड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का थर्ड स्टॉक है जो इस एपिसोड के लिए चुना गया है दोस्तों वो है डीएलएफ का। और दोस्तों इसका सजेशन जो आया है वो आया है देवी मानी जी से, चेन्नई से। तो चलिए दोस्तों डीएलएफ के प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दिस इज द प्राइस चार्ट ऑफ डीएलएफ। ये डीएलएफ का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में एनएससी इंडिया पे। दोस्तों ये एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। हम देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई से 1200 प्लस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था और वहाँ से गिरते गिरते इसने एक लो बनाया। हम जो सिग्निफिकेंटली चार्ट के ऊपर में देख सकते हैं इस जगह पे समथिंग अराउंड 75 रुपीज़ पे ये स्टॉक आ गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, प्राइस में एक रिवर्सल की क्लियर टेंडेंसी नज़र आ रही है। हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करके रखा है। ये याद रखिए दोस्तों ये मंथली टाइम फ्रेम है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन, हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर का फॉर्मेशन और प्राइस नेक लाइन के पास में अभी ट्रेड हो रही है। अगर प्राइस नेक लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट हो जाती है दोस्तों तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। हाउएवर प्राइस को रिसेंट एक टाइम पे 275 लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, रीसेंट मूव के समय में यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स हम देख सकते हैं। तो 143-144 लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया और इसका जो अपेक्स था दोस्तों ये अपेक्स था 207 पे जिसका एक ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2019 में। तो ये डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के दौरान एक वॉल्यूम में बहुत बड़ा सर्ज देख सकते हैं जो ये सारी बातें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है तो चलिए मेजर करें क्या पॉसिबल टारगेट होगा, तो ये
हेड से लेके हमने नेक लाइन तक का डिस्टेंस मेजर किया और इसे मान के चलें कि समवेयर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट दोस्तों काफ़ी बड़ा टारगेट आता है, वो अराउंड 460 के आसपास में इसका टारगेट आता है विच इज़ वेरी वेरी सब्सटैंशियल। अब दोस्तों चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा था और यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और इसके अपेक्स का डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ होने के बाद प्राइस ने एक अपसाइड मूव दिखाया। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन था जो 143 से 207 का रेंज जो था यहाँ पे स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आया है और प्राइस अब अपसाइड मूव में मूव कर रही है। चलिए दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम का जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ दोस्तों इस जगह पे, इसके बाद में कंटिन्यूसली ये हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। प्राइस फिलहाल दोस्तों ओवर एक्सटेंडेड नजर आ रही है। चलिए दोस्तों एक नज़र मोमेंटम इंडिकेटर पर डालते हैं। आप देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ से हायर हायर बना रही है लेकिन हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ नज़र आ रहा है जो इंडिकेट करता है कि इसमें एक करेक्शन ड्यू है। प्राइस दोस्तों या तो रिट्रेस होके ईएमए 21 को टेस्ट करेगी या इवन ईएमए 55 को भी टेस्ट कर सकती है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जब टेस्ट करके एक बार वो रिवर्सल देती है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं अगर रीसेंट इम्पल्सिव वेव को हम रिट्रेसमेंट खींचने की कोशिश करें तो दोस्तों ये देखिए रीसेंट इम्पल्सिव वेव है जहाँ प्राइस को रेजिस्टेंस अपसाइड में दिख रहा है। तो दोस्तों इसका 38.2% 246 है एंड 61.8% 235 है। तो दोस्तों ये करेक्शन के बाद में जब भी रिवर्सल दिखाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो 61.8% कन्फ्लुएंस एरिया पर है। तो दोस्तों इसमें एक जब भी करेक्शन है डिप में बाई करने वाला स्टॉक नजर आता है। तो दोस्तों आज का फोर्थ स्टॉक है वो है दोस्तों जीएसके का और दोस्तों इसके प्राइस चार्ट पे हम एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्राइस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और क्या हमें दिशा बता रहे हैं। दोस्तों इसका सजेशन आया है स्वजन सेन जी की तरफ से। ऑफ कोर्स इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं इनके सिटी को क्रेडिट नहीं दे पा रहा हूं। तो स्वजन सेन जी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब भी दोस्तों इस पे सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखें तो दोस्तों अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम उसे शामिल कर सकें, अपना नाम, शहर का नाम और अपने चोजन स्टॉक्स का नाम। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जीएसके का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम विजुअली देख सकते हैं ये स्टॉक एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। दोस्तों नथिंग टू एनालाइज मच। दोस्तों हम देख सकते हैं प्राइस ने इस बैंड में कंसोलिडेट किया और इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों फाइनली इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 को और उसके बाद देख सकते हैं प्राइस ने एक माइनर रिट्रेसमेंट लिया और करंट मंथ की कैंडल, ऑल्दो दोस्तों करंट मंथ की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन क्लियर कट ये एक बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों सिग्निफिकेंट है कि प्राइस रिसेंट टाइम में जब भी करेक्ट करती है ईएमए 21 पे सपोर्ट लेती है। तो दोस्तों ईएमए 21 एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो सकता है कि जब भी प्राइस ईएमए 21 के नीचे क्लोज हो जाए जो लोग भी होल्ड कर रहे हैं उस समय पे वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑल्दो ये स्टॉक एक ट्रेंड को राइड करने वाला स्टॉक है और एक मासिव अपसाइड जर्नी में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में एक नज़र डालते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने करेक्ट किया, ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया और इसके बाद में फिर से रिवर्सल प्राइस दर्शा रही है और इस जगह पे हम देखें दोस्तों तो ये क्लियर कट बाउंस बैक के तहत ये एक अपसाइड मूव के लिए रेडी स्टॉक नज़र आ रहा है।
चलिए डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन को। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों प्राइस एसएमए 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है, एसएमए 89 एंड एसएमए 144 एसएमए 233 के ऊपर है। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेल जो पिच अभी ये माइनर डाउन ट्रेंड था शॉर्ट टर्म बेसिस पर, वहाँ पे रिवर्सल के बाद ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉसओवर कर लिया है, तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्टॉक नज़र आता है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों इस एपिसोड का फिफ्थ स्टॉक है वो है सनोफी का। दोस्तों इसका सजेशन आया है स्वजन सेन जी की तरफ से, तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सनोफी इंडिया लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस साइट है, विजुअली क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली कर रहा है दोस्तों। और ईएमए 21 को ध्यान से देखें दोस्तों तो प्राइस जब भी रिट्रेस करती है ईएमए 21 इस पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें दोस्तों तो प्राइस एक नए ट्रेजेक्ट्री में जा चुकी है और ये अपट्रेंडिंग स्टॉक में यहाँ पे एक साइजेबल जो करेक्शन हुआ, एक डीपर करेक्शन हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन क्लियर कट देख सकते हैं। प्राइस अपसाइड मूव करने के बाद जो अभी करेक्शन हो रहा है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 6450 पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों एक रेजिस्टेंस था और ये कप एंड हैंडल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 6400 से लेकर 6450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक में, और ये अपसाइड इन्वेस्टमेंट एंगल से एक वैल्यू जोन में जब भी आता है दोस्तों, इसका इस लेवल पे 6400 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां पर दोस्तों, और नीचे साइड में 5800 से लेकर 6400 पर हर डिप्स में इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जिस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक। चलिए एक नज़र वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे इस जगह पे मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेता हूँ। ये आप देखिए प्राइस का रिजेक्शन था और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों प्राइस अभी जो रिट्रेस कर रही है वो मोस्ट लाइकली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लेगी, जो ईएमए 21 का भी कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। आज की डेट में ईएमए 21 की वैल्यू जो है 6566 है, सो वर्चुअली 6500 एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। तो दोस्तों ये यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है जिसकी संभावना बहुत अधिक है। रीसेंट डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हम चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये देखिए मैं एक नेकलाइन खींचता हूँ तो दोस्तों लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड ब्रेकआउट दोस्तों। तो ये रीसेंट डाउन ट्रेंडिंग जो मूव था शॉर्ट टर्म बेसिस पर, उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बुलिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत करेक्ट करेगा तो ईएमए 55 को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि नेक लाइन और ईएमए 55 का कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू 6200 से 6250 के आसपास में आ रही है। वेरी गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। तो दोस्तों इस एपिसोड का सिक्स्थ स्टॉक है वो है दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन का, और जिसका सजेशन आया है दोस्तों अनुराग शर्मा जी की तरफ से जो जयपुर से हैं। तो चलिए दोस्तों हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये बिरला कॉरपोरेशन का मंथली टाइम फ्रेम पे एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है। हम देख सकते हैं एक पैराबोलिक राइज होने के बाद प्राइस ने एक बहुत डीपर करेक्शन लिया और ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गया जहाँ लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन कर रहा था। इसके बाद दोस्तों 440 लेवल पे आके
इसका डाउनसाइड अरेस्ट हुआ। अगर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें दोस्तों, तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन बन गई है जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस लेवल को ध्यान से देखें, यह हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींची गई है, तो यह हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्राइस यहाँ पर जो रीसेंट करेक्शन हुआ, क्योंकि ये मूव जो है दोस्तों यहाँ पहला साइकिल इसने हायर हाइज का कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस ने करेक्शन लिया और SMA 89 के ऊपर में सपोर्ट लिया, जो कन्फ्लुएंसिंग एरिया था ये ट्रेंड लाइन का, और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस जो था पहले प्राइस का रिजेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, जो बाद में यहाँ सपोर्ट एंड सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है नोट करना कि प्राइस अब ये अपर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक सपोर्ट थी उसके बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। तो प्राइस 650 लेवल पे एक मासिव रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करके करंट मंथ की कैंडल अभी दोस्तों ट्रेड हो रही है और एक डिसाइसिव बुलिश कैंडल है। ऑल्दो दोस्तों करंट मंथ की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन एक मार्केट साइकोलॉजी समझ में आ रही है बहुत क्लियर कि ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देने के कगार पर ये खड़ी है दोस्तों। और ये जो राइज हुआ है प्राइस का इस महीने में, वो हम देख सकते हैं एक मासिव सर्च या वॉल्यूम में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर कट एक रिवर्सल की टेंडेंसी दिखा रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में इसे स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में थी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका अपेक्स यहाँ था, और प्राइस दोस्तों लास्ट वीक में जो वीक 13 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ, उस वीक में प्राइस ने इस रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, बुलिश चार्ट पैटर्न का एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया और प्राइस दोस्तों अब मार्कअप फेज में आ गई है और हायर हाइज एंड हायर लोस बनाने की प्रक्रिया इसमें अब आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। दोस्तों अगर देखें तो मैं एक नेकलाइन खींचता हूं दोस्तों, ये देखिए मैंने नेकलाइन खींचा, प्राइस नीचे करेक्ट होके आई, ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन किया, प्राइस डाउनफॉल हुआ, हेड का फॉर्मेशन और ये राइट शोल्डर के फॉर्मेशन के बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, प्राइस अपसाइड मूव की। और दोस्तों जो नॉर्मल प्रक्रिया है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है कि प्राइस रिट्रेस करके नेक लाइन को टेस्ट करती है, प्राइस ने यहाँ नेक लाइन को टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया जो वन वाइट शोल्डर था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है। तो दोस्तों बहुत सिग्निफिकेंट है कि ये अब मार्कअप फेज में आ चुका है जहाँ हायर हाइज एंड हायर लोज की संभावना बहुत प्रबल हो चुकी है। अगर हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें हेड एंड शोल्डर के आधार पे, तो दोस्तों ये देखिए इसको मेजर किया तो मिनिमम ऑब्जेक्टिव जो होगा अगर हम इस ब्रेकआउट पॉइंट से टारगेट निकालें दोस्तों, तो ये देखिए इसका टारगेट आता है 865 के आसपास में दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब ये मार्कअप फेज में आ जाता है तो प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो बेसिक हमारा एम होना चाहिए ट्रेंड को राइड करना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो दोस्तों इस एपिसोड का 7th एंड लास्ट स्टॉक है दोस्तों, वो है अलंकित का, जिसका सजेशन आया है दोस्तों दीपक मौर्या जी से जो लखनऊ से हैं। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये अलंकित लिमिटेड का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है और हम देख सकते हैं एक ये मासिव डाउन ट्रेंड में था और प्राइस ने दोस्तों जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो 88.75 का, और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली फॉल करती जा रही है एंड लोअर हाइज एंड लोअर लो का फॉर्मेशन इसने किया है। प्राइस फिलहाल दोस्तों ऑलमोस्ट लिस्टिंग प्राइस के पास में आके ये ट्रेड हो रही है और अभी कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि हम इसमें एक कोई रिवर्सल का इंडिकेशन देख सकें। वॉल्यूम भी बहुत पुअर है दोस्तों, जो इंडिकेट करता है
कि लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में ना के बराबर है। चलिए दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी चार्ट पैटर्न हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। प्राइस अगेन ये देखिए दोस्तों EMA 21 से प्राइस रिजेक्शन हम देख सकते हैं। फिर से दोस्तों EMA 21 पे प्राइस रिजेक्शन दिखा रही है। चलिए रीसेंट टाइम प्राइस एक्शन के लिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम में हम आ गए। हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि वर्चुअली इसमें कोई भी फिलहाल ऐसा रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं बना है जिसके आधार पे हम बोल सकें कि इसमें कोई रिवर्सल अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों जब तक प्राइस इसको 18 रुपीस को ऊपर में ट्रेड नहीं होती है तब तक इसमें फर्दर एनालिसिस करने का कोई औचित्य नहीं है और कोई पर्पस नहीं है। बिकॉज हम सारे कैंडल का अगर साइज देखें दोस्तों तो एब्सोल्युटली मोमेंटम का अभाव है, पार्टिसिपेशन का अभाव है। तो दोस्तों फिलहाल सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस का स्लोप देखें, डाउनवर्ड स्लोप है। तो दोस्तों इसमें फिलहाल कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है टेक्निकल्स के आधार पे। तो दोस्तों किस बात का इंतजार है? अपने चोजन स्टॉक्स का नाम, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उन्हें KYS के आने वाले एपिसोड में शामिल किया जा सके और उनकी एनालिसिस की जा सके। दोस्तों अगर आपको KYS का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में और खास करके उन व्यक्तियों के बीच में जिन्हें आप जानते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बीच में शेयर कीजिए ताकि इन एनालिसिस का लाभ उन्हें भी हो सके और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन सकें। दोस्तों अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पर मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पर मिस ना करें। देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों, वी विल मीट अगेन।